प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में चुनाव प्रचार कार्य थम गया है। 17 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। हमारी टीम ने रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा का दौरा किया, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा का रोड शो हो रहा था। रोड शो के बाद हमने अभय मिश्रा से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, मैं ये चुनाव 20,000 से 25,000 वोटों से जीत रहा हूं। यहां की जनता इस बार परिवर्तन कर रही है। हालांकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर आए थे, उन्होंने भी एक बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में की थी। अब 17 नवंबर को सिरमौर की जनता किसके पक्ष में अपना मतदान करेगी, इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा 3 दिसंबर तक। किसके पक्ष में मतदान होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा सिमरिया विधानसभा का सिरमौर किसको चुनेगी सिमरिया की जनता। सुनिए कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने हमसे बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। हमारे सिमरिया में तो लोगों का पहले से ही था, एक एक दिन काट रहे थे भय आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए। यहाँ विधायक को बदलने के लिए लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध जिसको कहते हैं। विधायक को तो बदलना हर आदमी के लिए उसकी आवश्यकता बन गई, उसका भविष्य बन गया। तो यहाँ तो पक्का ही पक्का है कि केपी त्रिपाठी को जनता वोट नहीं देगी, चाहे वो जो करे। जनता मन न बना ले, और 5 साल के उनके काम ऐसे थे, कर्म ऐसे थे, अभी भी हैं। आज भी मारपीट हुई कि नहीं हुई? आज उसको मनोज शुक्ला को मारा गया कि नहीं मारा गया? सरपंच लपटा सर फोड़ के ये सब घुस के मारे वहाँ। ऐसा कोई अभी भी 3रा दिन नहीं होता जब कोई आदिवासी, कोई सामान्य आदमी जिसके घर में घुस के मारपीट नहीं होती। गुंडागर्दी परम चरम पे है, ये एक सब भी होते हैं। जनता इसमें खुली एवं हिंसक चालों को पसंद नहीं करती, और विकास कुछ हुआ नहीं। पैसे से गरीबों के नाम पे 19-19 करोड़ निकल गए, ये सब जान चुके। तो हमारे यहाँ तो पक्के ही है कि इनको वोट नहीं, किसी भी हाल में इनको वोट नहीं मिलने वाला है। और ये चुनाव हमें तो लगता है कि इस बार का अंतर 20 और 25 के बीच होना चाहिए। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।